वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्लेटेड चणिया किस तरह से बनाना है, स्कर्ट किस तरह से बनाना है। इसमें हम बेल्ट लगाएंगे और इस तरह से प्लीट्स ली है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। इसको किस तरह से कटिंग करना है और स्टिचिंग करना है। दोस्तों वीडियो पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और कुछ समझ में ना आ रहा है तो कॉमेंट करें। तो दोस्तों इस चणिये की लेंथ है 14.5 और वेस्ट है 27.5। इसमें हम बेल्ट वाला चणिया जिसे आपने वीडियो देगी इस तरह से कटिंग करेंगे। तो इसमें जितना कपड़े का आपने घेर चाहिए आपको 6 मीटर 7 मीटर उतना फैब्रिक ले लेना है और इसको इस तरह से फोल्ड करके सेट कर देना है, ठीक है। पूरा फैब्रिक जितना आप घेर बनाना चाहते हो उतना फैब्रिक लेना है। 5 मीटर घेर चाहिए तो 5 मीटर लेना है या 6 मीटर चाहिए घेर तो 6 मीटर फैब्रिक लेना है। अब इस तरह से फोल्ड करना है, ऊपर एक लाइन ड्रॉ करना है और फिर लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे बेल्ट के लिए जितना आप बेल्ट बनाना चाहो 1.25 इंच से लेके 1.5 इंच तक आप बेल्ट बना सकते हो। इस तरह से लेके लेंथ ले लेना है, नीचे फोल्ड के लिए रखना है और उसकी लाइन ड्रॉ कर देना है, फिर इतना करके इसको कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो हमारी जो मेन फैब्रिक है उसका इस तरह से कटिंग कर लेना है, बिल्कुल ही सिंपल है, कोई भी बना सकता है दोस्तों। तो इस तरह से हमने इसको कटिंग कर लिया। अब हम इसका इनर कटिंग करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से इनर भी सेट कर दिया है, आपको भी इस तरह से सेट कर लेना है। इसमें मैंने इनर में 4.5 मीटर फैब्रिक लिया है, यानी 4.5 मीटर घेर निकलेगा इसका, और अपना मेन फैब्रिक 8 मीटर के आसपास था तो उसका 8 मीटर का घेर निकलेगा। अब इसमें भी यहाँ पे बेल्ट के लिए छोड़ना है 1.25 इंच या 1.5 इंच, और इनर में जितनी लेंथ है उतनी लेके वहीं से कट कर देना है। इसके लिए फोल्ड के लिए नहीं रखना है इसमें, तो इनर नीचे के साइड जब भी आप कटिंग करो तो इसमें फोल्ड का ऐड नहीं करना है, सिर्फ मेन फैब्रिक में ही लेना है फोल्ड के लिए। इसमें जो लेंथ आ रही है वैसे ही उसी लाइन से इसको कट कर देना है। तो इस तरह से इनर को कट करेंगे दोस्तों। अब सबसे पहले हमारे पास ये 8 मीटर का फैब्रिक है, ठीक है। अब जो वेस्ट का माप है जहाँ से कस्टमर को पहनना है, बेल्ट वाला चणिया बना रहे हैं हम, तो जो वेस्ट जहाँ से पहनना है जितना माप है, तो इसकी जो कमर है वो 27.5 की है। अब ये 8 मीटर फैब्रिक को हमें 27.5 इंच में प्लीट्स लेके उसको सेट करना है। तो आप एक अंदाजे के तौर पे प्लीट्स ले सकते हो, बड़ी प्लीट्स अंदर हम लेके इसको सेट करेंगे और इसकी कमर हमें 27.5 रेडी करना है। तो इस तरह से हम एक सिरे से प्लीट्स लेना शुरू करेंगे, और अगर आप प्लीट्स ले रहे हो इस तरह से किसी भी ड्रेस में तो अपना जो टांका है उसको बड़ा कर दें। जैसे आप मान लो नॉर्मल 1 या 1.5 पेज चलाते हो तो उसको 2.5 या 3 का टांका सेट कर दें, ताकि अगर हमें अगर सिलाई खोलना हो तो आसानी से खुल जाए। तो टांके को बड़ा करना है, उसके बाद फिर प्लीट्स लेना शुरू करना है। इस तरह से पूरे में प्लीट ले लेना है दोस्तों। तो इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक में प्लीट्स ले लिए, तकरीबन एक एक प्लीट्स में 5-5 इंच जितना फैब्रिक मैंने अंदर इसको दबाया है प्लीट्स में, 4 से 5 इंच का फैब्रिक इस तरह से। और इसमें मेरे को लगभग 10 से 15 मिनट हो गए बनाने को, एक बार मुझे खोलना पड़ा है इसको, और उसके बाद ये 27.5 का रेडी हो चुका है। आपको भी हो सकता है 1-2 बार खोलना पड़े, लेकिन जितना कपड़ा है आप पहले अंदाजे से उसकी प्लीट्स ले सकते हो और बड़े टांके से इसको सिलाई कर दिए ताकि हम खोल के इसको एडजस्ट कर सकें। तो इस तरह से मेन फैब्रिक में सिलाई करेंगे। अब इसी तरह से हम अस्तर में भी प्लीट्स ले लेंगे। इसमें भी दोस्तों इस तरह से प्लीट्स ले लेनी है आपके कपड़ों के अकॉर्डिंग, जितना भी आपका कपड़ा है 4.5 मीटर के आसपास ही है। तो इस तरह से इसको भी पूरे में हम प्लीट्स लगाएंगे।
इस तरह से इनर में भी मैंने प्लीट्स ले लिए। इसमें एक ही बारी में अच्छे से प्लीट सेट हो गई, मुश्किल से 2 मिनट लगे क्योंकि इनर साइड है, इसमें बहुत ज़्यादा इतना ध्यान देना नहीं पड़ता क्योंकि ये शो नहीं होगी प्लीट्स, ऊपर की प्लीट शो होगी और फैब्रिक भी नेट है तो मशीन पर ठहर नहीं रहा था, सिरक रहा था नीचे, इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लगा। तो इसमें आप टेंशन ना लें, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा आप उसको इजीली बना सकोगे। तो इस तरह से कर लेना। अब ये पोर्शन ऊपर का रेडी हो गया, अब हम इसमें नीचे कैनवस का बेल्ट लगाएंगे अस्तर पे और मेन फैब्रिक को सिर्फ इस तरह से ही फोल्ड कर देंगे। जो हमारी नेट है, जो मेन फैब्रिक है, उसको इस तरह से सिंपली फोल्ड करेंगे। जितना कपड़ा आपने फोल्ड के लिए रखा था उतना ही फोल्ड करना है, तो पूरे में इसको हम फोल्ड कर लेंगे। मेन फैब्रिक का दोस्तों नीचे की किनारी फोल्ड करने के बाद हम अस्तर में कैनवस का पट्टा लगाएंगे। तो इस तरह से ये जो कांजी वाला जो कैनवस आता है, पेप्सी कैनवस कहते हैं हमारे यहाँ, एक तरफ से इसको पक्का कर लेना है फोल्ड करके और एक तरफ इस तरह से कच्चा रखना है। अब इससे हम अस्तर की जो दामन है किनारी है उसको हम इससे पलटी करेंगे। यह हार्ड है, इसके लिए क्या होगा कि वो जो प्लीट्स हमने ली थी वो अच्छे से खुली रहेगी, उसका घेर अच्छे से शो होगा, इसलिए हम ये कैनवस का यूज कर सकते हो। इसमें अगर और ज्यादा चढ़िया को हेवी बनाना हो तो कैनकेन नेट का भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से सीधी साइड पे रखना है इस तरह से, और फिर हम इसको नीचे की तरफ पलटी करके इसको फिक्स कर देंगे इस तरह से। तो पहले पूरे में इस तरह सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद यहाँ पे हम ऊपर एक सिलाई करेंगे और फिर इसको फोल्ड कर देंगे नीचे की तरफ। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे एक सिलाई करनी है, फिर इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है और ये फोल्ड करके मैं सिलाई करके इसको फिक्स कर देना है। तो इस तरह से हमारा इनर साइड में ये कैनवस सिलाई हो जाएगा। दोस्तों तो ये हमारा कैनवस सिलाई हो चुका है। अब हमारा ये इनर पोर्शन रेडी है और फ्रंट साइड रेडी है। अब हम इसको दोनों को ऊपर साथ में सिलाई कर देंगे। तो ये इस तरह से इनर के साथ मेन फैब्रिक को इस तरह से सिलाई कर लेना है। अब हम इसकी साइड सिलाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कंसील जिप लगाएंगे इस पे और उसके बाद फिर इसकी साइड सिलाई करेंगे। दोस्तों चेन लगाने से पहले यहाँ पे हमें एक बार फिर कमर को वेस्ट को मेजर कर लेना है और इस तरह से कट लगा लेना है और उसके बाद फिर जिप लगानी है। 7 से 8 इंच तक आप जिप लगा सकते हो। कंसील जिप हम इस पे सिलाई करेंगे। पहले बाहर से कच्ची सिलाई लगाना है चेन को यहां पे बाहर की तरफ और दोनों तरफ इसको फिक्स कर देना है इस तरह से। जिस तरह से जिप हमारी इसकी जो ये पोजीशन है उसी शेप में यहां दूसरी तरफ इसको लगा देना है, इसी तरह से बाहर की तरफ सिलाई करनी है। अब ये बाहर की सिलाई होने के बाद साइड बूट का यूज करना है और इसको अंदर की तरफ सिलाई करके हमें जीप को इस तरह से अंदर की तरफ सिलाई कर लेना है और फिर ऊपर की तरफ इसको खींच के बंद कर देना है। तो इस तरह से हमारी जो जीप है वो सिलाई हो चुकी है। अब हम इसकी साइड सिलाई करेंगे और उसमें ये जो घेर है उसको अलग करेंगे। पहले इस पे सिलाई करेंगे, फिर उस पे इनर साइड पे सिलाई करके इसकी साइड सिलाई कर देंगे। दोस्तों बेल्ट के लिए ये मैंने बिल्कुल हार्ड कैनवस जो आता है स्पेशल बेल्ट का ही आता है जो कटिंग हुआ होता है उसका यूज़ किया है। तो हम यहाँ नेट यूज़ कर रहे हैं मेन फैब्रिक में। तो हमने क्या किया है कि इनर पे पहले आपको इस तरह से ये चिपका लेना है प्रेस की मदद से और उसके बाद हम फिर इस पे मेन फैब्रिक को सिलाई करेंगे
और ये बेल्ट को हम रेडी करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से कर लेना है आपको भी। अगर आपके पास ये कैनवास नहीं है तो आप नॉर्मल कैनवास को डबल कटिंग करके इस तरह से कर सकते हो, तो वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, और अगर रेडी मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, उसका यूज़ कर सकते हो आप। तो इस तरह से दोस्तों बेल्ट रेडी कर लेना है, और यहाँ पे सिलाई मार्जिन रखना है जिस तरह से हम स्टेन लगाते हैं उस तरह से। अब बेल्ट के ऊपर भी हमें वेस्ट जो है मेज़र कर लेना है, और मेज़र करके इस तरह से कट लगा लेना है, इस तरह से कट लगा लेना है ताकि हमें पता चले कि हमें कहाँ तक लगाना है। और ये 2 से 2.5 इंच बाहर रखना है, क्योंकि हम जब इस पर क्लिप लगाएंगे तो उसमें हम इसको क्लिप को कवर कर सके, इसलिए इसको 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। उसके बाद यहाँ से उल्टी साइड से इसको इस तरह से शुरू करना है, और फ्रंट साइड पर हम इसको पलटी करेंगे। तो इस तरह से इसको सिलाई करना है। अब ये सिलाई होने के बाद दोस्तों हमें बैक साइड पे आई लगानी है, यानी जो बैक साइड पे आएगी उस पर आई आएगी और फ्रंट साइड पे हुक आएगी। तो इस तरह से पहले इसको जो ये ठोकने वाली जो आई आती है आप इसको पहले लगा दें, और आई साइड पे इस तरह से हम सिलाई करके इसको कवर कर देंगे। तो इस तरह से आई लगेगी इस साइड पे। दोस्तों आई लगने के बाद हमें बेल्ट को इस तरह से सिलाई करके फिक्स कर देना है, उसके बाद हम हुक लगाएंगे। तो पहले इस तरह से इसको सिलाई कर देना है, उसको फिक्स कर देना है इस तरह से। इस तरह से बेल्ट को सिलाई होने के बाद ऊपर की तरफ भी इस तरह सिलाई लगा देनी है, और ये दूसरी साइड इस तरह से हुक लगाएंगे, और हुक लगाने के बाद हम इसको फोल्ड करेंगे और इसको सिलाई कर लेंगे इस तरह से। तो ये हुक का पोर्शन इस तरह से रेडी होगा, ये अंदर की तरफ जाएगी हुक, और ये हमारी आई। तो इस तरह से इसको सिलाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारा चनिया रेडी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।